प्रकाशित वाक्य अध्याय एक। यह यीशु मसीह का दैवी संदेश है जो उसे परमेश्वर द्वारा इसलिए दिया गया था कि जो बातें शीघ्र ही घटने वाली हैं उन्हें अपने दासों को दर्शा दिया जाए। अपना स्वर्गदूत भेजकर यीशु मसीह ने इसे अपने सेवक यूहन्ना को संकेत द्वारा बताया। यूहन्ना ने जो कुछ देखा था उसके बारे में बताया। यह वह सत्य है जिसे उसे यीशु मसीह ने बताया था। यह वह संदेश है जो परमेश्वर की ओर से है। वे धन्य हैं जो परमेश्वर के इस दैवी सुसंदेश के शब्दों को सुनते हैं और जो बातें इसमें लिखी हैं उन पर चलते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी निकट है। यूहन्ना की ओर से एशिया प्रांत में स्थित 7 कलिसियाओं के नाम उस परमेश्वर की ओर से जो वर्तमान है, जो सदा सदा से था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, एवं उस यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास पूर्ण साक्षी मरे हुओं में से पहला जी उठने वाला तथा धरती के राजाओं का भी राजा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। वह जो हमसे प्रेम करता है तथा जिसने अपने लहू से हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाया है, उसने हमें एक राज्य तथा अपने परम पिता परमेश्वर की सेवा में याजक होने को रचा। उसकी महिमा और सामर्थ्य सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। देखो, मेघों के साथ मसीह आ रहा है। हर एक आंख उसका दर्शन करेगी। उनमें वे भी होंगे जिन्होंने उसे बेधा था, तथा धरती के सभी लोग उसके कारण विलाप करेंगे। हाँ हाँ, निश्चय पूर्वक ऐसा ही हो, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई हूँ और यातनाओं, राज्य तथा यीशु में धैर्यपूर्ण सहनशीलता में तुम्हारा साक्षी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु के साक्षी के कारण मुझे पत्तमुस नाम के द्वीप में देश निकाला दे दिया गया था। प्रभु के दिन मैं आत्मा के वशीभूत हो उठा और मैंने अपने पीछे तुरही की सी एक तीव्र आवाज सुनी। वह कह रही थी, जो कुछ तू देख रहा है उसे एक पुस्तक में लिखता जा और फिर उसे इफिसुस, स्मुरना, पिर्गमुन, थुआतीरा, सर्दीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया की 7 कलिसियाओं को भेज दे। फिर ये देखने को कि वह आवाज किसकी है जो मुझसे बोल रही थी, मैं मुड़ा, और जब मैं मुड़ा तो मैंने सोने के 7 दीपाधार देखे, और उन दीपाधारों के बीच मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मनुष्य के पुत्र के जैसा कोई पुरुष था। उसने अपने पैरों तक लंबा चोगा पहन रखा था तथा उसकी छाती पर एक सुनहरा पटका लिपटा हुआ था। उसके सिर तथा केश सफेद ऊन जैसे उजले थे तथा उसके नेत्र अग्नि की चमचमाती लपटों के समान थे। उसके चरण भक्ति में अभी अभी तपाए गए उत्तम कांसे के समान चमक रहे थे। उसका स्वर अनेक जल धाराओं के गर्जन के समान था तथा उसने अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे। उसके मुख से एक तेज दोधारी तलवार बाहर निकल रही थी। उसकी छवि तीव्रतम दमकते सूर्य के समान उज्जवल थी। मैंने जब उसे देखा तो मैं उसके चरणों पर मरे हुए के समान गिर पड़ा। फिर उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा,
डर मत, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम भी हूँ, और मैं ही वह हूँ जो जीवित है। मैं मर गया था किंतु देख, अब मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित हूँ। मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। सो जो कुछ तूने देखा है, जो कुछ घट रहा है और जो भविष्य में घटने जा रहा है, उसे लिखता जा। ये जो सात तारे हैं जिन्हें तूने मेरे हाथ में देखा है, और ये जो सात दीपाधार हैं, इनका रहस्यपूर्ण अर्थ है। ये सात तारे सात कलीसियाओं के दूत हैं, तथा ये सात दीपाधार सात कलीसियाएं हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2। इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत के नाम यह लिख। वह जो अपने दाहिने हाथ में सात तारों को धारण करता है तथा जो सात दीपाधारों के बीच विचरण करता है, इस प्रकार कहता है, मैं तेरे कर्मों, कठोर परिश्रम और धैर्यपूर्ण सहनशीलता को जानता हूँ, तथा मैं यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को सहन नहीं कर पाता है, तथा तूने उन्हें परखा है जो कहते हैं कि वे प्रेरित हैं किंतु हैं नहीं, तूने उन्हें झूठा पाया है। मैं जानता हूँ कि तुझ में धीरज है और मेरे नाम पर तूने कठिनाइयां झेली हैं और तू थका नहीं है, किंतु मेरे पास तेरे विरोध में यह है, तूने वह प्रेम त्याग दिया है जो आरंभ में तुझ में था। सो याद कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा तथा उन कर्मों को कर जिन्हें तू प्रारंभ में किया करता था, नहीं तो यदि तूने मन न फिराया तो मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे दीपाधार को उसके स्थान से हटा दूंगा। किंतु यह बात तेरे पक्ष में है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके पास कान है वह उसे सुने जो आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है। जो विजय पाएगा मैं उसे परमेश्वर के उपवन में लगे जीवन के वृक्ष से फल खाने का अधिकार दूंगा। स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख। वह जो प्रथम है और जो अंतिम है, जो मर गया था तथा जो पुनर्जीवित हो उठा है, इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हारी यातना और तुम्हारी दीनता के विषय में जानता हूं। यद्यपि वास्तव में तुम धनवान हो जो अपने आप को यहूदी कह रहे हैं, उन्होंने तुम्हारी जो निंदा की है मैं उसे भी जानता हूं। यद्यपि वे यहूदी हैं नहीं, बल्कि वे तो उपासकों का एक ऐसा जमघट है जो शैतान से संबंधित है। उन यातनाओं से तू बिल्कुल भी मत डर जो तुझे झेलनी है। सुनो, शैतान तुम लोगों में से कुछ को बंदी गृह में डालकर तुम्हारी परीक्षा लेने जा रहा है, और तुम्हें वहां 10 दिन तक यातना भोगनी होगी। चाहे तुझे मर ही जाना पड़े, पर सच्चा बने रहना, मैं तुझे अनंत जीवन का विजय मुकुट प्रदान करूंगा। जो सुन सकता है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। जो विजयी होगा उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं उठानी होगी। पिरगमुन की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख। वह जो तेज दोधारी तलवार को धारण करता है इस प्रकार कहता है, मैं जानता हूं तू कहां रह रहा है। तू वहां रह रहा है जहां शैतान का सिंहासन है, और मैं यह भी जानता हूं कि तू मेरे नाम को थामे हुए है, तथा तूने मेरे प्रति अपने विश्वास को कभी नहीं नकारा है। तुम्हारे उस नगर में जहां शैतान का निवास है, मेरा विश्वास पूर्ण साक्षी अंतिपास मार दिया गया था। कुछ भी हो, मेरे पास तेरे विरोध में कुछ बातें हैं। तेरे यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिलाम की सीख पर चलते हैं। उसने बालाक को सिखाया था कि वह इसराइल के लोगों को मूर्तियों का चढ़ावा खाने और व्यभिचार करने को प्रोत्साहित करे। इसी प्रकार तेरे यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो निकुलइयों की सीख पर चलते हैं। इसलिए मन फिरा, नहीं तो मैं जल्दी ही तेरे पास आऊंगा और उनके विरोध में उस तलवार से युद्ध करूंगा जो मेरे मुख से निकलती है। जो सुन सकता है वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। जो विजयी होगा मैं उसे स्वर्ग में छिपा मन्ना दूंगा।
मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा जिस पर एक नया नाम अंकित होगा, जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, जिसे वह दिया गया है। थुआतीरा की कलिसिया के स्वर्गदूत के नाम, परमेश्वर का पुत्र जिसके नेत्र धधकती आग के समान हैं, तथा जिसके चरण शुद्ध कांसे के जैसे हैं, इस प्रकार कहता है, मैं तेरे कर्मों, तेरे विश्वास, तेरी सेवा तथा तेरी धैर्यपूर्ण सहन शक्ति को जानता हूं। मैं जानता हूं कि अब तू जितना पहले किया करता था उससे अधिक कर रहा है, किंतु मेरे पास तेरे विरोध में यह है, तू ईजेबेल नाम की उस स्त्री को सह रहा है जो अपने आप को नबी कहती है। अपनी शिक्षा से वह मेरे सेवकों को व्यभिचार के प्रति तथा मूर्तियों का चढ़ावा खाने को प्रेरित करती है। मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया है, किंतु वह परमेश्वर के प्रति व्यभिचार के लिए मन फिराना नहीं चाहती। इसलिए अब मैं उसे पीड़ा की शैया पर डालने ही वाला हूं, तथा उन्हें भी जो उसके साथ व्यभिचार में सम्मिलित हैं, ताकि वे उस समय तक गहन पीड़ा का अनुभव करते रहें, जब तक वे उसके साथ किए गए अपने बुरे कर्मों के लिए मन न फिरावें। मैं महामारी से उसके बच्चों को मार डालूंगा और सभी कलीसियाओं को यह पता चल जाएगा कि मैं वही हूं जो लोगों के मन और उनकी बुद्धि को जानता है। मैं तुम सब लोगों को तुम्हारे कर्मों के अनुसार दूंगा। अब मुझे थुआतीरा के उन शेष लोगों से कुछ कहना है जो इस सीख पर नहीं चलते और जो शैतान के तथाकथित गहन रहस्यों को नहीं जानते। मुझे तुम पर कोई और बोझ नहीं डालना है, किंतु जो तुम्हारे पास है उस पर मेरे आने तक चलते रहो। जो विजय प्राप्त करेगा और जिन बातों का मैंने आदेश दिया है अंत तक उन पर टिका रहेगा, मैं उन्हें जातियों पर अधिकार दूंगा, तथा वह उन पर लोहे के डंडे से शासन करेगा। वह उन्हें माटी के भांडों की तरह चूर चूर कर देगा। यह वही अधिकार है जिसे मैंने अपने परम पिता से पाया है। मैं भी उस व्यक्ति को भोर का तारा दूंगा। जिसके पास कान है वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3। सर्दीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को इस प्रकार लिख, ऐसा वह कहता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं तथा 7 तारे हैं। मैं तुम्हारे कर्मों को जानता हूं। लोगों का कहना है कि तुम जीवित हो, किंतु वास्तव में तुम मरे हुए हो। सावधान रह, तथा जो कुछ शेष है इससे पहले कि वह पूरी तरह नष्ट हो जाए उसे सुदृढ़ बना, क्योंकि अपने परमेश्वर की निगाह में मैंने तेरे कर्मों को उत्तम नहीं पाया है। सो जिस उपदेश को तूने सुना है और प्राप्त किया है उसे याद कर, उसी पर चल और मन फिराव कर। यदि तू जागा नहीं तो अचानक चोर के समान मैं चला आऊंगा। मैं तुझे कब अचरज में डाल दूं तुझे पता भी नहीं चल पाएगा। कुछ भी हो, सर्दीस में तेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को अशुद्ध नहीं किया है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मेरे साथ साथ घूमेंगे, क्योंकि वे सुयोग्य हैं। जो विजयी होगा वह इसी प्रकार श्वेत वस्त्र धारण करेगा। मैं जीवन की पुस्तक से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि मैं तो उसके नाम को अपने परम पिता और उसके स्वर्गदूतों के सम्मुख मान्यता प्रदान करूंगा। जिसके पास कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। फिलादेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, वह जो पवित्र और सत्य है तथा जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो ऐसा द्वार खोलता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तथा जो ऐसा द्वार बंद करता है जिसे कोई खोल नहीं सकता, इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हारे कर्मों को जानता हूं। देखो, मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तेरी शक्ति थोड़ी सी है, किंतु तूने मेरे उपदेशों का पालन किया है तथा मेरे नाम को नकारा नहीं है। सुनो, कुछ ऐसे हैं जो शैतान की मंडली के हैं, तथा जो यहूदी न होते हुए भी अपने को यहूदी कहते हैं, जो मात्र झूठे हैं। मैं उन्हें यहां आने को विवश करके तेरे चरणों तले झुका दूंगा, तथा मैं उन्हें
विवश करूंगा कि वे यह जाने कि तुम मेरे प्रिय हो, क्योंकि तुमने धैर्य पूर्वक सहनशीलता के मेरे आदेश का पालन किया है। बदले में मैं भी उस परीक्षा की घड़ी से तुम्हारी रक्षा करूंगा जो इस धरती पर रहने वालों को परखने के लिए समूचे संसार पर बस आने ही वाली है। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर डटे रहो ताकि तुम्हारे विजय मुकुट को कोई तुमसे न ले ले। जो विजयी होगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर का स्तंभ बनाऊंगा, फिर कभी वह इस मंदिर से बाहर नहीं जाएगा, तथा मैं अपने परमेश्वर का और अपने परमेश्वर की नगरी नए यरूशलेम का नाम उस पर लिखूंगा जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से नीचे उतरने वाली है। उस पर मैं अपना नया नाम भी लिखूंगा। जो सुन सकता है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्ग दूत को यह लिख, जो आमीन है, विश्वास पूर्ण है तथा सच्चा साक्षी है, जो परमेश्वर की सृष्टि का शासक है, इस प्रकार कहता है, मैं तेरे कर्मों को जानता हूं और यह भी कि न तो तू शीतल होता है और न गर्म, इसलिए क्योंकि तू गुनगुना है न गर्म और न ही शीतल, मैं तुझे अपने मुख से उगलने जा रहा हूं। तू कहता है मैं धनी हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुझे पता नहीं है कि तू अभागा है, दयनीय है, दीन है, अंधा है और नंगा है। मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना मोल ले ले ताकि तू सचमुच धनवान हो जाए, पहनने के लिए श्वेत वस्त्र भी मोल ले ले ताकि तेरी लज्जापूर्ण नग्नता का तमाशा ना बने, अपने नेत्रों में आंजने के लिए तू अंजन भी ले ले ताकि तू देख पाए उन सभी को जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, मैं डांटता हूँ और अनुशासित करता हूँ, तो फिर कठिन जतन और मन फिराओ कर। सुन, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और द्वार खोलता है तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा तथा उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। जो विजयी होगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का गौरव प्रदान करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं विजयी बनकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। जो सुन सकता है सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4। इसके बाद मैंने दृष्टि उठाई और स्वर्ग का खुला द्वार मेरे सामने था, और वही आवाज जिसे मैंने पहले सुना था तुरही के से स्वर में मुझसे कह रही थी, यहीं ऊपर आ जा, मैं तुझे वह दिखाऊंगा जिसका भविष्य में होना निश्चित है। फिर मैं तुरंत ही आत्मा के वशीभूत हो उठा। मैंने देखा कि मेरे सामने स्वर्ग का सिंहासन था और उस पर कोई विराजमान था। जो वहाँ विराजमान था उसकी आभा यशब और गोमेद के समान थी। उसके सिंहासन के चारों ओर एक इंद्रधनुष था जो पन्ने जैसा दमक रहा था। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन और थे जिन पर 24 प्राचीन बैठे हुए थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके सिर पर सोने के मुकुट थे। सिंहासन में से बिजली की चकाचौंध, खड़खड़ाहट तथा मेघों का गर्जन तर्जन निकल रहे थे। सिंहासन के सामने ही लपलपाती हुई 7 मशालें जल रही थी। ये मशालें परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। सिंहासन के सामने पारदर्शी कांच का स्फटिक सागर सा फैला था। सिंहासन के ठीक सामने तथा उसके दोनों ओर 4 प्राणी थे। उनके आगे और पीछे आंखें ही आंखें थीं। पहला प्राणी सिंह के समान था, दूसरा प्राणी बैल के जैसा था, तीसरे प्राणी का मुख मनुष्य के जैसा था और चौथा प्राणी उड़ते हुए गरुड़ जैसा था। इन चारों ही प्राणियों के 6-6 पंख थे। उनके चारों ओर तथा भीतर आंखें ही आंखें भरी पड़ी थीं। दिन रात वे निरंतर कहते रहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब ये सजीव प्राणी उस अजर अमर की महिमा
आदर और धन्यवाद कर रहे हैं जो उस सिंहासन पर विराजमान था, तो वे 24 प्राचीन उसके चरणों में गिरकर उस सदा सर्वदा जीवित रहने वाले की उपासना करते हैं। वे सिंहासन के सामने अपने मुकुट डाल देते हैं और कहते हैं, हे हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा आदर और शक्ति पाने को सुयोग्य है, क्योंकि तूने ही अपनी इच्छा से सभी वस्तुएं सृजी हैं। तेरी ही इच्छा से उनका अस्तित्व है और तेरी ही इच्छा से हुई है उनकी सृष्टि। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5। फिर मैंने देखा कि जो सिंहासन पर विराजमान था उसके दाहिने हाथ में एक लपेटा हुआ पुस्तक, अर्थात एक ऐसी पुस्तक जिसे लिखकर लपेट दिया जाता था, जिस पर दोनों ओर लिखावट थी तथा उसे 7 मुहर लगाकर मुद्रित किया हुआ था। मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत की ओर देखा जो दृढ़ स्वर से घोषणा कर रहा था, इस लपेटे हुए पुस्तक की मोहरों को तोड़ने और इसे खोलने में समर्थ कौन है? किंतु स्वर्ग में अथवा पृथ्वी पर या पाताल लोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस लपेटे हुए पुस्तक को खोले और उसके भीतर झांके, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने की क्षमता रखने वाला या भीतर से उसे देखने की शक्ति वाला कोई भी नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं सुबक सुबक कर रो पड़ा। फिर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, रोना बंद कर, सुन, यहूदा के वंश का सिंह जो दाऊद का वंशज है विजयी हुआ है। वह इन 7 मुहरों को तोड़ने और इस लपेटे हुए पुस्तक को खोलने में समर्थ है। फिर मैंने देखा कि उस सिंहासन तथा उन 4 प्राणियों के सामने और उन पूर्वजों की उपस्थिति में एक मेमना खड़ा है। वह ऐसे दिख रहा था मानो उसकी बलि चढ़ाई गई हो। उसके 7 सींग थे और 7 आंखें थीं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जिन्हें समूची धरती पर भेजा गया था। फिर वो आया और जो सिंहासन पर विराजमान था उसके दाहिने हाथ से उसने वह लपेटा हुआ पुस्तक ले लिया। जब उसने वह लपेटा हुआ पुस्तक ले लिया तो उन 4 प्राणियों तथा 24 प्राचीनों ने उस मेमने को दंडवत प्रणाम किया। उनमें से हरेक के पास वीणा थी तथा वे सुगंधित सामग्री से भरे सोने के धूपदान थामे थे, जो संत जनों की प्रार्थनाएं हैं। वे एक नया गीत गा रहे थे, तू यह पुस्तक लेने को समर्थ है और जो इस पर लगी मुहर खोलने को, क्योंकि तेरा वध बलि के रूप कर दिया और अपने लहू से तूने परमेश्वर के हेतु जनों को हर जाति से, हर भाषा से, सभी कुलों से, सब राष्ट्रों से मोल लिया और तूने उनको रूप का राज्य दे दिया और हमारे परमेश्वर के हेतु उन्हें याजक बनाया, वे धरती पर राज्य करेंगे। तभी मैंने देखा और अनेक स्वर्गदूतों की ध्वनियों को सुना। वे उस सिंहासन, उन प्राणियों तथा प्राचीनों के चारों ओर खड़े थे। स्वर्गदूतों की संख्या लाखों और करोड़ों की। वे ऊंचे स्वर में कह रहे थे, वह मेमना जो मार डाला गया था, वह पराक्रम, धन, विवेक, बल, आदर, महिमा और स्तुति प्राप्त करने को योग्य है। फिर मैंने सुना कि स्वर्ग की, धरती पर की, पाताल लोक की, समुद्र की, समूची सृष्टि, हाँ, उस समूचे ब्रह्मांड का हर प्राणी कह रहा था, जो सिंहासन पर बैठा है और मेमना का स्तुति, आदर, महिमा और पराक्रम सर्वदा रहे। फिर उन 4 प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने नतमस्तक होकर उपासना की। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6। मैंने देखा कि मेमने ने 7 मुहरों में से एक को खोला। तभी उन 4 प्राणियों में से एक को मैंने मेघ गर्जना जैसे स्वर में कहते सुना। जब मैंने दृष्टि उठाई तो पाया कि मेरे सामने एक सफेद घोड़ा था। घोड़े का सवार धनुष लिए हुए था, उसे विजय मुकुट पहनाया गया और वह विजय पाने के लिए विजय प्राप्त करता हुआ बाहर चला गया। जब मेमने ने दूसरी मोहर तोड़ी तो मैंने दूसरे प्राणी को कहते सुना, इस पर अग्नि के समान लाल रंग का एक और घोड़ा बाहर आया। इस पर बैठे सवार को धरती से शांति छीन लेने और लोगों से परस्पर हत्याएं करवाने को उकसाने का अधिकार दिया गया था। उसे एक लंबी तलवार दे दी गई। मेमने ने जब तीसरी मुहर तोड़ी तो मैंने तीसरे प्राणी को कहते सुना, जब मैंने दृष्टि उठाई
तो वहाँ मेरे सामने एक काला घोड़ा खड़ा था। उस पर बैठे सवार के हाथ में एक तराजू थी। तभी मैंने उन चारों प्राणियों के बीच से एक शब्द सा आते सुना जो कह रहा था, एक दिन की मजदूरी के बदले एक दिन के खाने का गेहूं, और एक दिन की मजदूरी के बदले 3 दिन तक खाने का जौ, किंतु जैतून के तेल और मदिरा को क्षति मत पहुंचा। फिर मेमने ने जब चौथी मुहर खोली तो चौथे प्राणी को मैंने कहते सुना, फिर जब मैंने दृष्टि उठाई तो मेरे सामने मरियल सा पीले हरे से रंग का एक घोड़ा उपस्थित था। उस पर बैठे सवार का नाम था मृत्यु, और उसके पीछे सटा हुआ चल रहा था प्रेत लोक। धरती के एक चौथाई भाग पर उन्हें यह अधिकार दिया गया कि युद्धों, अकालों, महामारियों तथा धरती के हिंसक पशुओं के द्वारा वे लोगों को मार डालें। फिर उस मेमने ने जब पांचवी मुहर तोड़ी तो मैंने वेदी के नीचे उन आत्माओं को देखा जिनकी परमेश्वर के सुसंदेश के प्रति आत्मा के तथा जिस साक्षी को उन्होंने दिया था उसके कारण हत्याएं कर दी गई थीं। ऊंचे स्वर में पुकारते हुए उन्होंने कहा, हे पवित्र एवं सच्चे प्रभु, हमारी हत्याएं करने के लिए धरती के लोगों का न्याय करने को और उन्हें दंड देने के लिए तू कब तक प्रतीक्षा करता रहेगा? उनमें से हर एक को सफेद चोगा प्रदान किया गया तथा उनसे कहा गया कि वे थोड़ी देर उस समय तक प्रतीक्षा और करें जब तक कि उनके उन साथी सेवकों और बंधुओं की संख्या पूरी नहीं हो जाती जिनकी वैसे ही हत्या की जाने वाली है जैसे तुम्हारी की गई थी। फिर जब मेमने ने छठी मुहर तोड़ी तो मैंने देखा कि वहां एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। सूरज ऐसे काला पड़ गया है जैसे किसी शोक मनाते हुए व्यक्ति के वस्त्र होते हैं, तथा पूरा चांद लहू के जैसा लाल हो गया है। आकाश के तारे धरती पर ऐसे गिर गए थे जैसे किसी तेज आंधी द्वारा झकझोरे जाने पर अंजीर के पेड़ से कच्ची अंजीर गिरती है। आकाश फट पड़ा था और एक पुस्तक के समान सिकुड़कर लिपट गया था। सभी पर्वत और द्वीप अपने अपने स्थानों से डिग गए थे। संसार के सम्राट, शासक, सेना नायक, धनी शक्तिशाली और सभी लोग तथा सभी स्वतंत्र एवं दास लोगों ने पहाड़ों पर, चट्टानों के बीच और गुफाओं में अपने आप को छिपा लिया था। वे पहाड़ों और चट्टानों से कह रहे थे, हम पर गिर पड़ो, और वह जो सिंहासन पर विराजमान है तथा उस मेमने के क्रोध के सामने से हमें छिपा लो, उनके क्रोध का भयंकर दिन आ पहुंचा है, ऐसा कौन है जो इसे झेल सकता है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 7। इसके बाद धरती के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूतों को मैंने खड़े देखा। धरती की चारों हवाओं को रोक के रखा था ताकि धरती पर, सागर पर अथवा वृक्षों पर उनमें से किसी पर भी हवा चल ना पाए। फिर मैंने देखा कि एक और स्वर्गदूत है जो पूर्व दिशा से आ रहा है। उसने सजीव परमेश्वर की मुहर ली हुई थी तथा वह उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें धरती और आकाश को नष्ट कर देने का अधिकार दिया गया था ऊंचे स्वर में पुकार कर कह रहा था, जब तक हम अपने परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मोहर नहीं लगा देते तब तक तुम धरती, सागर और वृक्षों को हानि मत पहुंचाओ। फिर जिन लोगों पर मुहर लगाई गई थी मैंने उनकी संख्या सुनी, वे 144,000 थे। जिन पर मुहर लगाई गई थी इसराइल के सभी परिवार समूहों से थे, यहूदा के परिवार समूह के 12,000, रूबेन के परिवार समूह के 12,000, गाद परिवार समूह के 12,000, आशेर परिवार समूह के 12,000, नप्ताली परिवार समूह के 12,000, मनश्शे परिवार समूह के 12,000, शमौन परिवार समूह के 12,000, लेवी परिवार समूह के 12,000, इस्साकार परिवार समूह के 12,000, जबुलून परिवार समूह के 12,000, यूसुफ परिवार समूह के 12,000, बिन्यामीन परिवार समूह के 12,000। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक विशाल भीड़ खड़ी थी जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता था। इस भीड़ में हर जाति के, हर वंश के, हर कुल के तथा हर भाषा के लोग थे। वे उस सिंहासन और उस मेमने के आगे खड़े थे। वे श्वेत वस्त्र पहने थे और उन्होंने अपने हाथों में खजूर की टहनियां ली हुई थीं। वे पुकार रहे थे,
सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर की जय हो और मेमने की जय हो। सभी स्वर्गदूत सिंहासन प्राचीनों और उन चारों प्राणियों को घेरे खड़े थे। सिंहासन के सामने दंडवत प्रणाम करके इन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की उपासना की। उन्होंने कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, विवेक, धन्यवाद, समादर, शक्ति और बल सदा सर्वदा होते रहें। आमीन। तभी उन प्राचीनों में से किसी ने मुझसे प्रश्न किया, ये श्वेत वस्त्रधारी लोग कौन हैं तथा ये कहां से आए हैं? मैंने उसे उत्तर दिया, मेरे प्रभु, तू तो जानता ही है। इस पर उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो कठोर यातनाओं के बीच से होकर आ रहे हैं। उन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लोहू से धोकर स्वच्छ एवं उजला किया है, इसलिए अब ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े तथा उसके मंदिर में दिन रात उसकी उपासना करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है उनमें निवास करते हुए उनकी रक्षा करेगा। न कभी उन्हें भूख सताएगी, न ही वे कभी प्यासे रहेंगे। सूरज उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और न ही चिलचिलाती धूप कभी उन्हें तपाएगी, क्योंकि वह मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी देखभाल करेगा। वह उन्हें जीवन देने वाले जल स्रोतों के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों के हर आंसू को पोंछ देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8। फिर मेमने ने जब सातवीं मुहर तोड़ी तो स्वर्ग में कोई आधा घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। फिर मैंने परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले सात स्वर्गदूतों को देखा। उन्हें सात तुरहियां प्रदान की गई थी। फिर एक और स्वर्गदूत आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसके पास सोने का एक धूपदान था। उसे संत जनों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने थी चढ़ाने के लिए बहुत सारी धूप दी गई। फिर स्वर्गदूत के हाथ से धूप का वह धुआं संत जनों की प्रार्थनाओं के साथ साथ परमेश्वर के सामने पहुंचा। इसके बाद स्वर्गदूत ने उस धूपदान को उठाया, उसे वेदी की आग से भरा और उछाल कर धरती पर फेंक। इस पर मेघों का गर्जन, तर्जन, भीषण शब्द, बिजली की चमक और भूकंप होने लगे। फिर वे सात स्वर्गदूत जिनके पास सात तुरहियां थीं, उन्हें फूंकने को तैयार हो गए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही में से जैसे ही फूंक मारी, वैसे ही लहू, ओले और अग्नि एक साथ मिले जुले दिखाई देने और उन्हें धरती पर नीचे उछाल कर फेंक दिया गया, जिससे धरती का एक तिहाई भाग जलकर भस्म हो गया। एक तिहाई पेड़ जल गए और समूची हरी घास राख हो गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो अग्नि का जलता हुआ एक विशाल पहाड़ सा समुद्र में फेंक दिया गया। इससे एक तिहाई समुद्र रक्त में बदल गया तथा समुद्र के एक तिहाई जीव जंतु मर गए और एक तिहाई जलपोत नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने जब तुरही बजाई तो आकाश से मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल तारा गिरा। यह तारा एक तिहाई नदियों तथा झरनों के पानी पर जा पड़ा। इस तारे का नाम था नागदौना। सो समूचे जल का एक तिहाई भाग नागदौना में ही बदल गया तथा उस जल के पीने से बहुत से लोग मारे गए, क्योंकि जल कड़वा हो गया था। जब चौथे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई तो एक तिहाई सूर्य और साथ में ही एक तिहाई चंद्रमा और एक तिहाई तारों पर विपत्ति आई। सो उनका एक तिहाई काला पड़ गया। परिणाम स्वरूप एक तिहाई दिन तथा उसी प्रकार एक तिहाई रात अंधेरे में डूब गए। फिर मैंने देखा कि एक गरुड़ ऊंचे आकाश में उड़ रहा है। मैंने उसे ऊंचे स्वर में कहते हुए सुना, उन बचे हुए तीन स्वर्गदूतों की तुरहियों के उद्घोष के कारण जो अपनी तुरहियां अभी बजाने ही वाले हैं, धरती के निवासियों पर कष्ट हो, कष्ट हो, कष्ट हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9। पांचवे स्वर्गदूत ने जब अपनी तुरही फूंकी तब मैंने आकाश से धरती पर गिरा हुआ एक तारा देखा। इसे उस चिमनी की कुंजी दी गई थी जो पाताल में उतरती है। फिर उस तारे ने उस चिमनी का ताला खोल दिया जो पाताल में उतरती थी और चिमनी से वैसे ही धुआं फूट पड़ा जैसे वह एक बड़ी भट्टी से निकलता है। सो चिमनी से निकले धुआं से सूर्य और आकाश काले पड़ गए। तभी उस धुआं से धरती पर टिड्डी दल उतर आया।
उन्हें धरती के बिच्छुओं के जैसी शक्ति दी गई थी, किंतु उनसे कह दिया गया था कि वे न तो धरती की घास को हानि पहुंचाएं और न ही हरे पौधों या पेड़ों को। उन्हें तो बस उन लोगों को ही हानि पहुंचानी थी जिनके माथों पर परमेश्वर की मुहर नहीं लगी हुई थी। टिड्डी दल को निर्देश दे दिया गया था कि वे लोगों के प्राण न लें, बल्कि 5 महीने तक उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहे। वह पीड़ा जो उन्हें पहुंचाई जा रही थी वैसी थी जैसी किसी व्यक्ति को बिच्छू के काटने से होती है। उन 5 महीनों के भीतर लोग मौत को ढूंढते फिरेंगे, किंतु मौत उन्हें मिल नहीं पाएगी। वे मरने के लिए तरसेंगे, किंतु मौत उन्हें चकमा देकर निकल जाएगी। और अब देखो कि वे टिड्डी युद्ध के लिए तैयार किए गए घोड़ों जैसी दिख रही थी। उनके सिरों पर सुनहरी मुकुट से बंधे थे, उनके मुख मानव मुखों के समान थे, उनके बाल स्त्रियों के केशों के समान थे तथा उनके दांत सिंहों के दांतों के समान थे। उनके सीने ऐसे थे जैसे लोहे के कवच, उनके पंखों की ध्वनि युद्ध में जाते हुए असंख्य अश्वरथों से पैदा हुए शब्द के समान थे, उनकी पूंछों के बाल ऐसे थे जैसे बिच्छू के डंक हों तथा उनमें लोगों को 5 महीने तक क्षति पहुंचाने की शक्ति थी। पाताल के अधिकारी दूत को उन्होंने अपने राजा के रूप में लिया हुआ था। इब्रानी भाषा में उनका नाम है अब्दोन और यूनानी भाषा में वह अपुल्योन अर्थात विनाश करने वाला कहलाता है। पहली महान विपत्ति तो बीत चुकी है, किंतु इसके बाद अभी 2 बड़ी विपत्तियां आने वाली हैं। फिर 6ठे स्वर्गदूत ने जैसे ही अपनी तुरही फूंकी, वैसे ही मैंने परमेश्वर के सामने एक सुनहरी वेदी देखी। उसके 4 सींगों से आती हुई एक ध्वनि सुनी। तुरही लिए हुए उस 6ठे स्वर्गदूत से उस आवाज ने कहा, उन 4 स्वर्गदूतों को मुक्त कर दो जो फरात महानदी के पास बंधे पड़े हैं। सो 4 स्वर्गदूत मुक्त कर दिए गए। वे उसी खड़ी, उसी दिन, उसी महीने और उसी वर्ष के लिए तैयार रखे गए थे ताकि वे 1/3 मानव जाति को मार डाले। उनकी पूरी संख्या कितनी थी? यह मैंने सुना घुड़सवार सैनिकों की संख्या 20 करोड़ थी। उस मेरे दिव्य दर्शन में वे घोड़े और उनके सवार मुझे इस प्रकार दिखाई दिए। उन्होंने कवच धारण किए हुए थे जो धधकती आग जैसे लाल, गहरे नीले और गंधक जैसे पीले थे। इन 3 महाविनाशों से यानी उनके मुखों से निकल रही अग्नि, धुआं और गंधक से 1/3 मानव जाति को मार डाला गया। इन घोड़ों की शक्ति उनके मुख और उनकी पूंछों में नहीं थी, क्योंकि उनकी पूंछें सिरदार सांपों के समान थी जिनका प्रयोग वे मनुष्यों को हानि पहुंचाने के लिए करते थे। इस पर भी बाकी के ऐसे लोगों ने जो इन महाविनाशों से भी नहीं मारे जा सके थे, उन्होंने अपने हाथों से किए कामों के लिए अब भी मन न फिराया तथा भूत प्रेतों की अथवा सोने चांदी कांसे पत्थर और लकड़ी की उन मूर्तियों की उपासना नहीं छोड़ी जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं और न ही जल सकती हैं। उन्होंने अपने द्वारा की गई हत्याओं, जादू टोनों, व्यभिचारों अथवा चोरी चकारी करने से मन न फिराया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10। फिर मैंने आकाश से नीचे उतरते हुए एक और बलवान स्वर्गदूत को देखा। उसने बादल को ओढ़ा हुआ था तथा उसके सिर के आसपास एक मेघ धनुष था। उसका मुखमंडल सूर्य के समान तथा उसकी टांगे अग्नि स्तंभों के जैसी थी। अपने हाथ में उसने एक छोटी सी खुली पोथी ली हुई थी। उसने अपना दाहिना चरण सागर में और बायां चरण धरती पर रखा। फिर वह सिंह के समान दहाड़ता हुआ ऊंचे स्वर में चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर 7 गर्जन तर्जन के शब्द सुनाई देने लगे। जब 7 गर्जन हो चुके और मैं लिखने को ही था, तभी मैंने एक आकाशवाणी सुनी। 7 गर्जनों ने जो कुछ कहा है उसे छिपा ले तथा उसे लिख मत। फिर उस स्वर्गदूत ने जिसे मैंने समुद्र में और धरती पर खड़े देखा था, आकाश में ऊपर दाहिना हाथ उठाया और जो नित्य रूप से सजीव है, जिसने आकाश को तथा आकाश की सब वस्तुओं को, धरती एवं धरती पर की तथा सागर और जो कुछ उसमें है, उन सब की रचना की है, उसकी शपथ लेकर कहा, अब और अधिक देर नहीं होगी
किंतु जब सातवें स्वर्गदूत को सुनने का समय आएगा, अर्थात जब वह अपनी तुरही बजाने को होगा, तभी परमेश्वर की वह गुप्त योजना पूरी हो जाएगी जिसे उसने अपने सेवक नबियों को बता दिया था। उस आकाशवाणी ने जिसे मैंने सुना था मुझसे फिर कहा, जा और उस स्वर्गदूत से जो सागर में और धरती पर खड़ा है उसके हाथ से उस खुली पोथी को ले ले। सो मैं उस स्वर्गदूत के पास गया और मैंने उससे कहा कि वह उस छोटी पोथी को मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, यह ले और इसे खा जा, इससे तेरा पेट कड़वा हो जाएगा किंतु तेरे मुंह में यह शहद से भी ज्यादा मीठी बन जाएगी। फिर उस स्वर्गदूत के हाथ से मैंने वह छोटी सी पोथी ले ली और मैंने उसे खा लिया। मेरे मुख में यह शहद सी मीठी लगी किंतु मैं जब उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। इस पर वह मुझसे बोला, तुझे बहुत से लोगों, राष्ट्रों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11। इसके पश्चात नाप के लिए एक सरकंडा मुझे दिया गया जो नापने की छड़ी जैसा दिख रहा था। मुझसे कहा गया, उठ और परमेश्वर के मंदिर तथा वेदी को नाप और जो लोग मंदिर के भीतर उपासना कर रहे हैं उनकी गिनती कर, किंतु मंदिर के बाहरी आंगन को रहने दे, उसे मत नाप, क्योंकि यह अधर्मियों को दे दिया गया है। वे 42 महीने तक पवित्र नगर को अपने पैरों तले रौंदेंगे। मैं अपने दो गवाहों को खुली छूट दे दूंगा और वो 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करेंगे। वे उनके ऐसे वस्त्र धारण किए हुए होंगे जिन्हें शोक प्रदर्शित करने के लिए पहना जाता है। ये दो साक्षियां, वे दो जैतून के पेड़ तथा वे दो दीपदान हैं, जो धरती के प्रभु के सामने स्थित रहते हैं। यदि कोई भी उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुखों से ज्वाला फूट पड़ती है और उनके शत्रुओं को निगल जाती है। सो यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसकी इस प्रकार मृत्यु हो जाती है। वे आकाश को बांध देने की शक्ति रखते हैं ताकि जब वे भविष्यवाणी कर रहे हों तब कोई वर्षा न होने पाए। उन्हें झरनों के जल पर भी अधिकार था जिससे वे उसे लहू में बदल सकते थे। उनमें ऐसी शक्ति भी थी कि वे जितनी बार चाहते उतनी ही बार धरती पर हर प्रकार के विनाशों का आघात कर सकते थे। उनके साक्षी दे चुकने के बाद वह पशु उस महागत से बाहर निकलेगा और उन पर आक्रमण करेगा। वह उन्हें हरा देगा और मार डालेगा। उनकी लाशें उस महानगर की गलियों में पड़ी रहेंगी। यह नगर प्रतीक रूप से सदोम तथा मिस्र कहलाता है। यही उनके प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाकर मारा गया था। सभी जातियों, उपजातियों, भाषाओं और देशों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे तथा वे उनके शवों को कब्रों में नहीं रखने देंगे। धरती के वासी उन पर आनंद मनाएंगे, वे उत्सव करेंगे तथा परस्पर उपहार भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने धरती के निवासियों को बहुत दुख पहुंचाया था। किंतु 3.5 दिन बाद परमेश्वर की ओर से उनमें जीवन के श्वास ने प्रवेश किया और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। जिन्होंने उन्हें देखा वे बहुत डर गए थे। फिर उन दोनों नबियों ने ऊंचे स्वर में आकाशवाणी को उनसे कहते हुए सुना, यहाँ ऊपर आ जाओ। सो वे आकाश के भीतर बादल में ऊपर चले गए। उन्हें ऊपर जाते हुए उनके विरोधियों ने देखा। ठीक उसी क्षण वहाँ एक भारी भूचाल आया और नगर का 10वां भाग ढह गया। भूचाल में 7,000 लोग मारे गए तथा जो लोग बचे थे वे भयभीत हो उठे और वे स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा का बखान करने लगे। इस प्रकार अब दूसरी विपत्ति बीत गई है, किंतु सावधान, तीसरी महाविपत्ति शीघ्र ही आने वाली है। सातवें स्वर्गदूत ने जब अपनी तुरही फूंकी तो आकाश में तेज आवाजें होने लगी। वे कह रही थीं, अब जगत का राज्य हमारे प्रभु का है और उसके मसीह का ही। अब वह सुशासन युग युगों तक करेगा। और तभी परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान 24 प्राचीनों ने दंडवत प्रणाम करके परमेश्वर की उपासना की। वे बोले, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने ही अपनी महाशक्ति को लेकर सबके शासन का आरंभ किया था। अन्य जातियां क्रोध में भरी थी, किंतु अब तेरा कोप प्रकट समय और न्याय का समय आ गया। उन सब ही के जो प्राण थे विसारे, और समय आ गया कि तेरे सेवक प्रतिफल पाए। सभी नबी जन, तेरे सब जन और सभी जो तुझको आदर देते और सभी जो छोटे जन हैं और सभी जो बड़े बने हैं अपना प्रतिफल पावे। उन्हें मिटाने का समय आ गया, धरती को जो मिटा रहे हैं। फिर स्वर्ग में स्थित परमेश्वर के मंदिर को खोला गया तथा वहाँ मंदिर में वाचा की वह बेटी दिखाई दी। फिर बिजली की चकाचौंध होने लगी, मेघों की गर्जन तर्जन और घड़घड़ाहट के शब्द, भूकंप और भयानक ओले बरसने लगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12। इसके पश्चात आकाश में एक बड़ा सा संकेत प्रकट हुआ। एक महिला दिखाई दी जिसने सूरज को धारण किया हुआ था और चंद्रमा उसके पैरों तले था। उसके माथे पर मुकुट था जिसमें 12 तारे जड़े थे। वह गर्भवती थी और क्योंकि प्रसव होने ही वाला था, इसलिए प्रजनन की पीड़ा से वह कराह रही थी। स्वर्ग में एक और संकेत प्रकट हुआ। मेरे सामने ही एक लाल रंग का विशालकाय अजगर खड़ा था। उसके सातों सिरों पर 7 मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों के 1/3 भाग को सपाटा मारकर धरती पर नीचे फेंक दिया। वह स्त्री जो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, वह अजगर उसके सामने खड़ा हो गया ताकि वह जैसे ही उस बच्चे को जन्म दे, वह उसके बच्चे को निगल जाए। फिर स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया जो एक लड़का था। उसे सभी जातियों पर लौह दंड के साथ शासन करना था, किंतु उस बच्चे को उठाकर परमेश्वर और उसके सिंहासन के सामने ले जाया गया और वह स्त्री निर्जन वन में भाग गई, एक ऐसा स्थान जो परमेश्वर ने उसी के लिए तैयार किया था, ताकि वहां उसे 1260 दिन तक जीवित रखा जा सके। फिर स्वर्ग में एक युद्ध भड़क उठा। मिकाइल और उसके दूतों का उस विशालकाय अजगर से संग्राम हुआ। उस विशालकाय अजगर ने भी उसके दूतों के साथ लड़ाई लड़ी, किंतु वह उन पर भारी नहीं पड़ सका। सो स्वर्ग में उनका स्थान उनके हाथ से निकल गया और उस विशालकाय अजगर को नीचे धकेल दिया गया। यह वही पुराना महानाग है जिसे दानव अथवा शैतान कहा गया है। यह समूचे संसार को छलता रहता है। हाँ, इसे धरती पर धकेल दिया गया था। फिर मैंने ऊंचे स्वर में एक आकाशवाणी को कहते सुना, यह हमारे परमेश्वर के विजय की घड़ी है। उसने अपनी शक्ति और संप्रभुता का बोध करा दिया है। उसके मसीह ने अपनी शक्ति को प्रकट कर दिया है, क्योंकि हमारे बंधुओं पर परमेश्वर के सामने दिन रात लांछन लगाने वालों को नीचे धकेल दिया गया है। उन्होंने मेमने के बलिदान के रक्त और उनके द्वारा दी गई साक्षी से उसे हरा दिया है। उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग करने तक अपने जीवन की परवाह नहीं की। सो हे स्वर्गों और स्वर्गों के निवासियों, आनंद मनाओ, किंतु हाय धरती और सागर, तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा, क्योंकि शैतान अब तुम पर उतर आया है। वह क्रोध से आग बबूला हो रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसका बहुत थोड़ा समय शेष है। जब उस विशालकाय अजगर ने देखा कि उसे धरती पर नीचे धकेल दिया गया है, तो उसने उस स्त्री का पीछा करना शुरू कर दिया जिसने पुत्र जना था, किंतु उस स्त्री को एक बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए ताकि वह उस वन प्रदेश को उड़ जाए जो उसके लिए तैयार किया गया था। 3.5 साल तक वहीं उस विशालकाय अजगर से दूर उसका भरण पोषण किया जाना था। तब उस महानाग ने उस स्त्री के पीछे अपने मुख से नदी के समान जलधारा प्रवाहित की ताकि वह उसमें बहकर डूब जाए, किंतु धरती ने अपना मुख खोलकर उस स्त्री की सहायता की और उस विशालकाय अजगर ने अपने मुख से जो नदी निकाली थी उसे निगल लिया। इसके बाद तो वह विशालकाय अजगर उस स्त्री पर बहुत क्रोधित हो उठा और उसके उन वंशजों के साथ जो परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं और यीशु की साक्षी को धारण करते हैं युद्ध करने को निकल पड़ा तथा सागर के किनारे जा खड़ा हुआ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13। फिर मैंने सागर में से एक पशु को बाहर आते देखा। उसके 10 सींग थे और 7 सिर थे तथा अपने सींगों पर उसने 10 राजसी मुकुट पहने हुए थे। उसके सिरों पर दुष्ट नाम अंकित थे। मैंने जो पशु देखा था वह चीते जैसा था। उसके पैर भालू के पैर जैसे थे और उसका मुख सिंह के मुख के समान था।
उस विशालकाय अजगर ने अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और अपना प्रचुर अधिकार उसे सौंप दिया। मैंने देखा कि उसका एक सिर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उस पर कोई घातक घाव लगा हो, किंतु उसका वह घातक घाव भर चुका था। समूचा संसार आश्चर्यचकित होकर उस पशु के पीछे हो गया तथा वे उस विशालकाय अजगर को पूजने लगे, क्योंकि उसने अपना समूचा अधिकार उस पशु को दे दिया था। वे उस पशु की भी उपासना करते हुए कहने लगे, इस पशु के समान कौन है और ऐसा कौन है जो उससे लड़ सके। उसे अनुमति दे दी गई कि वह अहंकार पूर्ण तथा निंदा से भरे शब्द बोलने में अपने मुख का प्रयोग करे। उसे 42 महीने तक अपनी शक्ति के प्रयोग का अधिकार दिया गया, सो उसने परमेश्वर की निंदा करना आरम्भ कर दिया। वह परमेश्वर के नाम और उसके मंदिर तथा जो स्वर्ग में रहते हैं उनकी निंदा करने लगा। परमेश्वर के संत जनों के साथ युद्ध करने और उन्हें हराने की अनुमति उसे दे दी गई तथा हर वंश, हर जाति, हर परिवार समूह, हर भाषा और हर देश पर उसे अधिकार दिया गया। धरती के वे सभी निवासी उस पशु की उपासना करेंगे जिनके नाम उस मेमने की जीवन पुस्तक में संसार के आरम्भ से ही नहीं लिखे, जिसका बलिदान किया जाना सुनिश्चित है। यदि किसी के कान हैं, तो वह सुने। बंदी गृह में बंदी होना जिसकी नियति बनी है वह निश्चय ही बंदी होगा। यदि कोई तलवार से मारेगा तो वह भी उसी ही तलवार से मारा जाएगा। इसी में तो परमेश्वर के संत जनों से धैर्यपूर्ण सहनशीलता और विश्वास की अपेक्षा है। इसके पश्चात मैंने धरती से निकलते हुए एक और पशु को देखा। उसके मेमने के सींगों जैसे दो सींग थे, किंतु वह एक महानाग के समान बोलता था। उस विशालकाय अजगर के सामने वह पहले पशु के सभी अधिकारों का उपयोग करता था। उसने धरती और धरती पर सभी रहने वालों से उस पहले पशु की उपासना करवाई जिसका घातक घाव भर चुका था। दूसरे पशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, यहाँ तक कि सभी लोगों के सामने उसने धरती पर आकाश से आग बरसवा दी। वह धरती के निवासियों को छलता गया क्योंकि उसके पास पहले पशु की उपस्थिति में चमत्कार दिखाने की शक्ति थी। दूसरे पशु ने धरती के निवासियों से उस पहले पशु को आदर देने के लिए जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो ठीक हो गया था उसकी मूर्ति बनाने को कहा। दूसरे पशु को यह शक्ति दी गई थी कि वह पहले पशु की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करे ताकि पहले पशु की वह मूर्ति न केवल बोल सके बल्कि उन सभी को मार डालने का आदेश भी दे सके जो इस मूर्ति की उपासना नहीं करते। दूसरे पशु ने छोटों, बड़ों, धनियों, निर्धनों, स्वतंत्रों और दासों सभी को विवश किया कि वे अपने अपने दाहिने हाथों या माथों पर उस पशु के नाम या उसके नामों से संबंधित संख्या की छाप लगवाएं ताकि उस छाप को धारण किए बिना कोई भी ले बेच ना कर सके। जिसमें बुद्धि हो वह उस पशु के अंक का हिसाब लगा ले, क्योंकि वह अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। उसका अंक है 666। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने सियोन पर्वत पर मेमना खड़ा है। उसके साथ ही 144,000 वे लोग भी खड़े थे जिनके माथों पर उसका और उसके पिता का नाम अंकित था। फिर मैंने एक आकाशवाणी सुनी। उसका महानाद एक विशाल जलप्रपात के समान था या घनघोर मेघ गर्जन के जैसा था। जो महानाद मैंने सुना वह अनेक वीणा वादकों द्वारा एक साथ बजाई गई वीणाओं से उत्पन्न संगीत के समान था। वे लोग सिंहासन, चारों प्राणियों तथा प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे, जिन 144,000 लोगों को धरती पर फिरौती देकर बंधन से छुड़ा लिया गया था उन्हें छोड़ अन्य कोई भी व्यक्ति उस गीत को नहीं सीख सकता था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी स्त्री के संसर्ग से अपने आप को दूषित नहीं किया था, क्योंकि वे कुंवारे थे। जहाँ कहीं मेमना जाता वे उसका अनुसरण करते। सारी मानव जाति से उन्हें फिरौती देकर बंधन से छुड़ा लिया गया था। वे परमेश्वर और मेमने के लिए फसल के पहले फल थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, वे निर्दोष थे। फिर मैंने आकाश में ऊंची उड़ान भरते एक और स्वर्गदूत को देखा। उसके पास धरती के निवासियों, प्रत्येक देश, जाति, भाषा और कुल के लोगों के लिए सुसमाचार का एक अनंत संदेश था। ऊंचे स्वर में वह बोला, परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। उसकी उपासना करो जिसने आकाश, पृथ्वी, सागर और जल स्रोतों की रचना की है।
इसके पश्चात उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया और बोला, उसका पतन हो चुका है, महान नगरी बाबुल का पतन हो चुका है। उसने सभी जातियों को अपने व्यभिचार से उत्पन्न क्रोध की वासना में मदिरा पिलाई थी। उन दोनों के पश्चात फिर एक और स्वर्गदूत आया और ऊंचे स्वर में बोला, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करता है और अपने हाथ या माथे पर उसका छाप धारण करता है तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा, ऐसी अमिश्रित तीखी मदिरा जो परमेश्वर के प्रकोप की कटोरे में तैयार की गई है। उस व्यक्ति को पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने धधकती हुई गंधक में यातनाएं दी जाएगी, युग युगांतर तक उनकी यातनाओं से धुआं उठता रहेगा। और जिस किसी पर भी पशु के नाम की छाप अंकित होगी और जो उसकी और उसकी मूर्ति की उपासना करता होगा, उन्हें रात दिन कभी चैन नहीं मिलेगा। इसी स्थान पर परमेश्वर के उन संत जनों की धैर्यपूर्ण सहनशीलता की अपेक्षा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु में अपने विश्वास का पालन करती है। फिर एक आकाशवाणी को मैंने यह कहते सुना, इसे लिख, अब से आगे वे ही लोग धन्य होंगे जो प्रभु में स्थित होकर मरे हैं। आत्मा कहती है, हाँ यही ठीक है, उन्हें अपने परिश्रम से अब विश्राम मिलेगा क्योंकि उनके कर्म उनके साथ हैं। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने वहाँ एक सफेद बादल था और उस बादल पर एक व्यक्ति बैठा था जो मनुष्य के पुत्र जैसा दिख रहा था। उसने सिर पर एक स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ था और उसके हाथ में एक तेज हंसिया था। तभी मंदिर में से एक और स्वर्गदूत बाहर निकला। उसने जो बादल पर बैठा था उससे ऊंचे स्वर में कहा, हंसिया चला और फसल इकट्ठी कर, क्योंकि फसल काटने का समय आ पहुंचा है, धरती की फसल पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने धरती पर अपना हंसिया चलाया तथा धरती की फसल काट ली गई। फिर आकाश में स्थित मंदिर में से एक और स्वर्गदूत बाहर निकला। उसके पास भी एक तेज हंसिया था। तभी वेदी से एक और स्वर्गदूत आया, अग्नि पर उसका अधिकार था। उस स्वर्गदूत से ऊंचे स्वर में कहा, अपने तेज हंसिए का प्रयोग कर और धरती की बेल से अंगूर के गुच्छे उतार ले, क्योंकि इसके अंगूर पक चुके हैं। सो उस स्वर्गदूत ने धरती पर अपना हंसिया चलाया और धरती के अंगूर उतार लिए और उन्हें परमेश्वर के भयंकर कोप की कुंड में डाल दिया। अंगूर नगर के बाहर की थानी में रौंद कर निचोड़ लिए गए। थानी में से लहू बह निकला, लहू घोड़े की लगाम जितना ऊपर चढ़ आया और कोई 300 किलोमीटर की दूरी तक फैल गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 15। आकाश में फिर मैंने एक और महान एवं अद्भुत चिन्ह देखा। मैंने देखा कि 7 दूत हैं जो 7 अंतिम महाविनाशों को लिए हुए हैं। ये अंतिम विनाश हैं क्योंकि इनके साथ परमेश्वर का कोप भी समाप्त हो जाता है। फिर मुझे कांच का एक सागर सा दिखाई दिया जिसमें मानो आग मिली हो, और मैंने देखा कि उन्होंने उस पशु की मूर्ति पर तथा उसके नाम से संबंधित संख्या पर विजय पा ली है। वे भी उस कांच के सागर पर खड़े हैं। उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दी गई वीणाएं ली हुई थी। वे परमेश्वर के सेवक मूसा और मेमने का यह गीत गा रहे थे, वे कर्म जिन्हें तू करता रहता महान है, तेरे कर्म अद्भुत, तेरी शक्ति अनंत है। हे प्रभु परमेश्वर, तेरे मार्ग सच्चे और धार्मिकता से भरे हुए हैं, सभी जातियों का राजा। हे प्रभु, तुझसे सब लोग सदा भयभीत रहेंगे, तेरा नाम लेकर सब जन स्तुति करेंगे, क्योंकि तू मात्र ही पवित्र है। सभी जातियां तेरे सम्मुख उपस्थित हुई तेरी उपासना करे, क्योंकि तेरे कार्य प्रकट है। हे प्रभु, तू जो करता वही न्याय है। इसके पश्चात मैंने देखा कि स्वर्ग के मंदिर अर्थात वाचा के तंबू को खोला गया और वे 7 दूत जिनके पास अंतिम 7 विनाश थे मंदिर से बाहर आए। उन्होंने चमकीले स्वच्छ सन के उत्तम रेशों के बने वस्त्र पहने हुए थे, अपने सीनों पर सोने के पटके बांधे हुए थे। फिर उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 दूतों को सोने के कटोरे दिए जो सदा सर्वदा के लिए अमर परमेश्वर के कोप से भरे हुए थे। वह मंदिर परमेश्वर की महिमा और उसकी शक्ति के धुएं से भरा हुआ था, ताकि जब तक उन 7 दूतों के साथ विनाश पूरे न हो जाएं, तब तक मंदिर में कोई भी प्रवेश न करने पाए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16। फिर मैंने सुना कि मंदिर में से एक ऊंचा स्वर
उन सात दूतों से कह रहा है, जाओ और परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को धरती पर उंडेल दो। सो पहला दूत गया और उसने धरती पर अपना कटोरा उड़ेल दिया। परिणाम स्वरूप उन लोगों के जिन पर उस पशु का चिन्ह अंकित था और जो उसकी मूर्ति को पूजते थे, भयानक पीड़ा पूर्ण छाले फूट आए। इसके पश्चात दूसरे दूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और सागर का जल मरे हुए व्यक्ति के लहू के रूप में बदल गया और समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मारे गए। फिर तीसरे दूत ने नदियों और जल झरनों पर अपना कटोरा उड़ेल दिया और वे लहू में बदल गए। तभी मैंने जल के स्वामी स्वर्गदूत को यह कहते सुना, वह तू ही है जो न्यायी है, जो था सदा सदा से, तू ही है जो पवित्र, तूने जो किया है वो न्याय है। उन्होंने संत जनों का और नबियों का लहू बहाया, तू न्यायी है, तूने उनके पीने को बस रक्त ही दिया, क्योंकि वे इसी के योग्य रहे। फिर मैंने वेदी से आते हुए ये शब्द सुने, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे न्याय सच्चे और नेक है। फिर चौथे दूत ने अपना कटोरा सूरज पर उड़ेल दिया, सो उसे लोगों को आग से जला डालने की शक्ति प्रदान कर दी गई और लोग भयानक गर्मी से झुलसने लगे। उन्होंने परमेश्वर के नाम को कोसा, क्योंकि इन विनाशों पर उसी का नियंत्रण, किंतु उन्होंने कोई मन न फिराया और न ही उसे महिमा प्रदान की। इसके पश्चात पांचवे दूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसका राज्य अंधकार में डूब गया। लोगों ने पीड़ा के मारे अपनी जीभ काट ली। अपनी अपनी पीड़ाओं और छालों के कारण उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर की भर्त्सना तो की, किंतु अपने कर्मों के लिए मन न फिराया। फिर छठे दूत ने अपना कटोरा फरात नामक महानदी पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया। इससे पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो गया। फिर मैंने देखा कि उस विशाल काय अजगर के मुख से, उस पशु के मुख से और कपटी नबियों के मुख से तीन दुष्ट आत्माएं निकली जो मेंढक के समान दिख रही थी। ये शैतानी दुष्ट आत्माएं थी और उनमें चमत्कार दिखाने की शक्ति थी। वे समूचे संसार के राजाओं को परम शक्तिमान परमेश्वर के महान दिन युद्ध करने के लिए एकत्र करने को निकल पड़े। सावधान, मैं दबे पांव आकर तुम्हें अचरज में डाल दूंगा। वह धन्य है जो जागता रहता है और अपने वस्त्रों को अपने साथ रखता है, ताकि वह नंगा न फिरे और लोग उसे लज्जित होते न देखें। इस प्रकार वे दुष्टात्माएं उन राजाओं को इकट्ठा करके उस स्थान पर ले आईं, जिसे इब्रानी भाषा में हरमगिदोन कहा जाता है। इसके बाद सातवें दूत ने अपना कटोरा हवा में उड़ेल दिया और सिंहासन से उत्पन्न हुई एक घनघोर ध्वनि मंदिर में से यह कहती निकली, यह समाप्त तो हो गया। तभी बिजली गौंचने लगी, गड़गड़ाहट और मेघों का गर्जन तर्जन होने लगा तथा एक बड़ा भूचाल भी आया। मनुष्य के इस धरती पर प्रकट होने के बाद का ये सबसे भयानक भूचाल था। वो महान नगरी तीन टुकड़ों में बिखर गई तथा अधर्मियों के नगर ध्वस्त हो गए। परमेश्वर ने बाबुल की महानगरी को दंड देने के लिए याद किया था, ताकि वह उसे अपने भक्त क्रोध की मदिरा से हरे प्याले को उसे दे दे। सभी द्वीप लुप्त हो गए, किसी पहाड़ तक का पता नहीं चल पा रहा था। 40-40 किलो के ओले आकाश से लोगों पर पड़ रहे थे। ओलों के इस महाविनाश के कारण लोग परमेश्वर को कोस रहे थे, क्योंकि यह एक भयानक विपत्ति थी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17। इसके बाद उन सात दूतों में से जिनके पास सात कटोरे थे, एक मेरे पास आया और बोला, आ मैं तुझे बहुत सी नदियों के किनारे बैठी उस महान वेश्या के दंड को दिखाऊंगा। धरती के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और वे जो धरती पर रहते हैं वे उसकी व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। फिर मैं आत्मा से भावित हो उठा और वह दूत मुझे बीहड़ वन में ले गया, जहां मैंने एक स्त्री को लाल रंग के एक ऐसे पशु पर बैठे देखा जो परमेश्वर के प्रति अपशब्दों से भरा था। उसके सात सिर थे और 10 सिंह। उस स्त्री ने बैजनी और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वह सोने, बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सजी हुई थी। वह अपने हाथ में सोने का एक कटोरा लिए हुए थी जो बुरी बातों और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर एक प्रतीकात्मक शीर्षक था, महान बाबुल वेश्याओं और धरती पर की सभी अश्लीलताओं की जननी। मैंने देखा कि वह स्त्री संत जनों और उन व्यक्तियों के लहू पीने से मतवाली हुई है।
जिन्होंने यीशु के प्रति अपने विश्वास की साक्षी को लिए हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसे देखकर मैं बड़े अचरज में पड़ गया। तभी उस दूत ने मुझसे पूछा, तुम अचरज में क्यों पड़े हो? मैं तुम्हें इस स्त्री के और जिस पशु पर वह बैठी है उसके प्रतीक को समझाता हूँ। 7 सिरों और 10 सींगों वाला यह पशु जो तुमने देखा है पहले कभी जीवित था किंतु अब जीवित नहीं है, फिर भी वह पाताल से अभी निकलने वाला है और तभी उसका विनाश हो जाएगा। फिर धरती के वे लोग जिनके नाम सृष्टि के प्रारंभ से ही जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं उस पशु को देखकर चकित होंगे, क्योंकि कभी वह जीवित था किंतु अब जीवित नहीं है, पर फिर भी वह आने वाला है। यही वह बिंदु है जहां विवेकशील बुद्धि की आवश्यकता है। ये 7 सिर वे 7 पर्वत हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 सिर उन 7 राजाओं के भी प्रतीक हैं जिनमें से पहले 5 का पतन हो चुका है। एक अभी भी राज्य कर रहा है और दूसरा अभी तक आया नहीं है, किंतु जब वह आएगा तो उसकी यह नियति है कि वह कुछ देर ही टिक पाएगा। वह पशु जो पहले कभी जीवित था किंतु अब जीवित नहीं है स्वयं 8वां राजा है जो उन 7ों में से ही एक है। उसका भी विनाश होने वाला है। जो 10 सींग तुमने देखे हैं वे 10 राजा हैं। उन्होंने अभी अपना शासन आरंभ नहीं किया है परंतु पशु के साथ घड़ी भर राज्य करने को उन्हें अधिकार दिया जाएगा। इन 10ों राजाओं का एक ही प्रयोजन है कि वे अपनी शक्ति और अपना अधिकार उस पशु को सौंप दें। वे मेमने के विरुद्ध युद्ध करेंगे किंतु मेमना अपने बुलाए हुओं चुने हुओं और अनुयायियों के साथ उन्हें हरा देगा, क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उस दूत ने मुझसे फिर कहा, वे नदियां जिन्हें तुमने देखा था जहां वह वेश्या बैठी थी विभिन्न कुलों समुदायों जातियों और भाषाओं की प्रतीक है। वे 10 सींग जिन्हें तुमने देखा और वह पशु उस वेश्या से घृणा करेंगे तथा उससे सब कुछ छीन कर उसे नंगा छोड़ जाएंगे। वे शरीर को खा जाएंगे और उसे आग में जला डालेंगे। अपने प्रयोजन को पूरा कराने के लिए परमेश्वर ने उन सब को एक मत करके उनके मन में यही बैठा दिया है कि वे जब तक परमेश्वर के वचन पूरे नहीं हो जाते तब तक शासन करने का अपना अधिकार उस पशु को सौंप दे। वह स्त्री जो तुमने देखी थी वह महानगरी थी जो धरती के राजाओं पर शासन करती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18। इसके बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश से बड़ी शक्ति के साथ नीचे उतरते देखा। उसकी महिमा से सारी धरती प्रकाशित हो उठी। शक्तिशाली स्वर से पुकारते हुए वह बोला, वह मिट गई, बाबुल नगरी मिट गई। वह दानवों का आवास बन गई थी, हर किसी दुष्ट आत्मा का वह बसेरा बन गई थी, हर किसी घृणित पक्षी का वह बसेरा बन गई थी, हर किसी अपवित्र निंदा योग्य पशु का, क्योंकि उसने सब जनों को व्यभिचार के क्रोध की मदिरा पिलाई थी। इस जगत के शासकों ने जो स्वयं जगाई थी उससे व्यभिचार किया था और उसके भोग व्यय से जगत के व्यापारी संपन्न बने थे। आकाश से मैंने एक और स्वर सुना जो कह रहा था, हे मेरे जनों, तुम वहाँ से बाहर निकल आओ। तुम उसके पापों में कहीं साक्षी न बन जाओ, कहीं ऐसा न हो तुम पर ही वे नाश गिरे जो उसके रहे थे, क्योंकि उसके पाप की ढेरी बहुत ऊंची गगन तक है। परमेश्वर उसके बुरे कर्मों को याद कर रहा है। हे, तुम भी तो उससे ठीक वैसा व्यवहार करो जैसा तुम्हारे साथ उसने किया था। जो उसने तुम्हारे साथ किया उससे दुगुना उसके साथ करो। दूसरों के हेतु उसने जिस कटोरे में मदिरा मिलाई वही मदिरा तुम उसके हेतु दुगनी मिलाओ, क्योंकि जो महिमा और वैभव उसने स्वयं को दिया तुम उसी ढंग से उसे यातनाएं और पीड़ा दो, क्योंकि वह स्वयं अपने आप ही से कहती रही है, मैं अपने नृपासन विराजित महारानी, मैं विधवा नहीं, फिर शोक क्यों करूंगी। इसलिए वे नाश जो महामृत्यु महारोदन और वह दुर्भिक्ष भीषण है उसको एक ही दिन घेर लेंगे और उसको जलाकर खत्म कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जो बहुत सक्षम है
उसी ने इसका यह न्याय किया है। जब धरती के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और उसके भोग विलास में हिस्सा बटाया उसके जलने से निकलते धुआं को देखेंगे तो वे उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे। वे उसके कष्टों से डरकर वहीं से बहुत दूर ही खड़े हुए कहेंगे, हे शक्तिशाली नगर बाबुल, भयावह हो, हाय भयानक, तेरा दंड तुझको बस खड़ी भर में मिल गया। इस धरती पर के व्यापारी भी उसके कारण रोएंगे और विलाप करेंगे क्योंकि उनकी वस्तुएं अब कोई और मोल नहीं लेगा। वस्तुएं सोने की, चांदी की, बहुमूल्य रत्न, मोती, मलमल, बैजनी, रेशमी और किरमिजी वस्त्र, हर प्रकार की सुगंधित लकड़ी, हाथी दांत की बनी हुई हर प्रकार की वस्तुएं, अनमोल लकड़ी, कांसे, लोहे और संगमरमर से बनी हुई तरह तरह की वस्तुएं, दालचीनी, गुल मेहंदी, सुगंधित धूप, रसगंध, लोहबान, मदिरा, जैतून का तेल, मैदा, गेहूं, मवेशी, भेड़े, घोड़े और रथ, दास, हाँ, मनुष्यों की देह और उनकी आत्माएं तक। हे बाबुल, वे सभी उत्तम वस्तुएं जिनमें तेरा हृदय रमा था तुझे सब छोड़कर चली गई है। तेरा सब विलास वैभव भी आज नहीं है, अब ना कभी वे तुझे मिलेंगी। वे व्यापारी जो इन वस्तुओं का व्यापार करते थे और उससे संपन्न बन गए थे वे दूर दूर ही खड़े रहेंगे क्योंकि वे उसके कष्टों से डर गए हैं। वे रोते बिलखते कहेंगे, कितना भयावह और कितनी भयानक है महानगरी, यह उसके हेतु हुआ। उत्तम मलमली वस्त्र पहनती थी बैजनी और किरमिजी और स्वर्ण से बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित मोतियों से सस्ती ही रही थी और बस घड़ी भर में यह सारी संपत्ति मिट गई। फिर जहाज का हर कप्तान या हर वह व्यक्ति जो जहाज से चाहे कहीं भी जा सकता है तथा सभी मल्ला और वे सब लोग भी जो सागर से अपनी जीविका चलाते हैं उस नगरी से दूर ही खड़े रहे और जब उन्होंने उसके जलने से उठती धुआं को देखा तो वे पुकार उठे, इस विशाल नगरी के समान और कौन सी नगरी है। फिर उन्होंने अपने सिर पर धूल डालते हुए रोते बिलखते कहा, महानगरी, हाय यह कितना भयावह, हाय यह कितना भयानक, जिनके पास जलयान थे सिंधु जल पर संपत्तिशाली बन गए क्योंकि उसके पास संपत्ति थी पर अब बस घड़ी भर में नष्ट हो गई। उसके हेतु आनंद मनाओ तुम, हे स्वर्ग प्रेरित और नबियों, तुम परमेश्वर के जनों आनंद मनाओ क्योंकि प्रभु ने उसको ठीक वैसा दंड दे दिया है जैसा वह दंड उसने तुम्हें दिया था। फिर एक शक्तिशाली स्वर्गदूत ने चक्की के पार जैसी एक बड़ी सी चट्टान उठाई और उसे सागर में फेंकते हुए कहा, महानगरी, हे बाबुल महानगरी, ठीक ऐसे ही तू गिरा दी जाएगी, तू फिर लुप्त हो जाएगी और तू नहीं मिल पाएगी, तुझमें फिर कभी नहीं वीणा बजेगी और गायक कभी भी स्तुति पाठ न कर पाएंगे, वंशी कभी नहीं गूंजेगी, कोई भी तुरी तान न सुनेगा, तुझमें अब कोई कला शिल्पी कभी न मिलेगा, अब तुझमें कोई भी कला न बचेगी, अब चक्की पिसने का स्वर कभी भी ध्वनित न होगा, दीप की किंचित किरण तुझमें कभी न चमकेगी, अब तुझमें किसी वर की किसी वधु की मधुर ध्वनि कभी न गूंजेगी। तेरे व्यापारी जगती के महामनुष्य थे, तेरे जादू ने सब जातों को भरमाया, नगरी ने नबियों का, संत जनों का, उन सभी का लहू बहाया था, इस धरती पर जिनको बलि पर चढ़ा दिया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19। इसके पश्चात मैंने भीड़ का सा एक ऊंचा स्वर सुना, लोग कह रहे थे, हालेलुया, परमेश्वर की जय हो, महिमा और सामर्थ्य सदा हो, उसके न्याय सदा सच्चे हैं, धर्म युक्त है, उस महती वैश्या का उसने न्याय किया है जिसने अपने व्यभिचार से इस धरती को भ्रष्ट किया था, जिनको उसने मार दिया उन दास जनों की हत्या का प्रतिशोध हो चुका। उन्होंने यह फिर गाया, हालेलुया, जय हो, उसकी उससे धुआं युग युग उठेगा। फिर 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को झुककर प्रणाम किया और उसकी उपासना करते हुए गाने लगे, आमीन, हालेलुया, जय हो उसकी। स्वर्ग से फिर एक आवाज आई जो कह रही थी, हे उसके सेवकों, तुम सभी हमारे परमेश्वर का स्तुति गान करो, तुम चाहे छोटे हो चाहे बड़े बने हो जो उससे डरते रहते हो। फिर मैंने एक बड़े जन समुद्र का सा शब्द सुना
जो एक विशाल जल प्रवाह और मेघों के शक्तिशाली गर्जन तर्जन जैसा था। लोग गा रहे थे, उसकी जय हो, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्ति संपन्न राज्य कर रहा है। सो आओ, खुश हो होकर आनंद मनाए, आओ उसको महिमा देवे, क्योंकि अब मेमने का ब्याह का समय आ गया। उसकी दुल्हन सजी धजी तैयार हो गई, उसको अनुमति मिली, स्वच्छ धवल पहन ले वह निर्मल मलमल। यह मलमल संत जनों के धर्ममय कार्यों का प्रतीक है। फिर वह मुझसे कहने लगा, लिखो वे धन्य हैं जिन्हें इस विवाह भोज में बुलाया गया है। उसने फिर कहा, ये परमेश्वर के सत्य वचन है। और मैं उसकी उपासना करने के लिए उसके चरणों में गिर पड़ा, किंतु वह मुझसे बोला, सावधान, ऐसा मत कर, मैं तो तेरे और तेरे बंधुओं के साथ परमेश्वर का संगीत सेवक हूँ, जिन पर यीशु के द्वारा साक्षी दिए गए संदेश के प्रचार का दायित्व है। परमेश्वर की उपासना कर, क्योंकि यीशु के द्वारा प्रमाणित संदेश इस बात का प्रमाण है कि उनमें एक नबी की आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुलते देखा और वहाँ मेरे सामने एक सफेद घोड़ा था। घोड़े का सवार विश्वसनीय और सत्य कहलाता था, क्योंकि न्याय के साथ वह निर्णय करता है और युद्ध करता है। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो अग्नि की लपट हो। उसके सिर पर बहुत से मुकुट थे। उस पर एक नाम लिखा था जिसे उसके अतिरिक्त कोई और नहीं जानता। उसने ऐसा वस्त्र पहना था जिसे लहू में डुबाया गया था। उसे नाम दिया गया था परमेश्वर का वचन। सफेद घोड़ों पर बैठी स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने शुद्ध श्वेत मलमल के वस्त्र पहने थे। अधर्मियों पर प्रहार करने के लिए उसके मुख से एक तेज धार की तलवार बाहर निकल रही थी। वह उन पर लोहे के दंड से शासन करेगा और सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर के प्रचंड क्रोध की धानी में वह अंगूरों का रस निचोड़ेगा। उसके वस्त्र तथा उसकी जांघ पर लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। इसके बाद मैंने देखा कि सूर्य के ऊपर एक स्वर्गदूत खड़ा है। उसने ऊंचे आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों से ऊंचे स्वर में कहा, आओ परमेश्वर के महाभोज के लिए एकत्र हो जाओ, ताकि तुम शासकों, सेनापतियों, प्रसिद्ध पुरुषों, घोड़ों और उनके सवारों का मांस खा सको, और सभी लोगों, स्वतंत्र व्यक्तियों, सेवकों, छोटे लोगों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की देहों को खा सको। फिर मैंने उस पशु को और धरती के राजाओं को देखा। उनके साथ उनकी सेना थी। वे उस घुड़सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए एक साथ आ जुटे थे। पशु को घेर लिया गया था। उसके साथ वह झूठा नबी भी था, जो उसके सामने चमत्कार दिखाया करता था और उनको छला करता था, जिन पर उस पशु की छाप लगी थी और जो उस मूर्ति की उपासना किया करते थे। उस पशु और झूठे नबी दोनों को ही जलते गंधक की भभकती झील में जीवित ही डाल दिया गया था। घोड़े के सवार के मुख से जो तलवार निकल रही थी, बाकी के सैनिक उससे मार डाले गए। फिर पक्षियों ने उनके शवों के मांस को भरपेट खाया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। फिर आकाश से मैंने एक स्वर्गदूत को नीचे उतरते देखा। उसके हाथ में पाताल की चाबी और एक बड़ी सांकल थी। उसने उस पुराने महासर्प को पकड़ लिया जो दैत्य यानी शैतान है, फिर 1000 वर्ष के लिए उसे सांकल से बांध दिया। तब उस स्वर्गदूत ने उसे महागर्त में धकेल कर ताला लगा दिया और उस पर कपाट लगाकर मुहर लगा दी, ताकि जब तक 1000 साल पूरे न हो जाएं, वो लोगों को धोखा न दे सके। 1000 साल पूरे होने के बाद थोड़े समय के लिए उसे छोड़ा जाना है। फिर मैंने कुछ सिंहासन देखे जिन पर कुछ लोग बैठे थे। उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था। और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर उस सत्य के कारण जो यीशु द्वारा प्रमाणित हैं और परमेश्वर के संदेश के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उस पशु या उसकी प्रतिमा की कभी उपासना नहीं की थी, तथा जिन्होंने अपने माथों पर या अपने हाथों पर उसका संकेत चिन्ह धारण नहीं किया था, वे फिर से जीवित हो उठे और उन्होंने मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य किया। शेष लोग 1000 वर्ष पूरे होने तक फिर से जीवित नहीं हुए। यह पहला पुनरुत्थान है। वह धन्य है और पवित्र भी है जो पहले पुनरुत्थान में भाग ले रहा है। इन व्यक्तियों पर दूसरी मृत्यु को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि वे तो परमेश्वर और मसीह के अपने याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। फिर 1000 वर्ष पूरे हो चुकने पर शैतान को उसके बंदीगृह से छोड़ दिया जाएगा और वह समूची धरती पर फैली जातियों को छलने के लिए निकल पड़ेगा।
वह गोग और मागोग को छलेगा। वह उन्हें युद्ध के लिए एकत्र करेगा। वे उतने ही अनगिनत होंगे जितने समुद्र तट के रेत कण। शैतान की सेना समूची धरती पर फैल जाएगी और वे संत जनों के डेरे और प्रिय नगरी को घेर लेंगे, किंतु आग उतरेगी और उन्हें निगल जाएगी। इसके पश्चात उस शैतान को जो उन्हें छलता रहा है भवकती गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां वह पशु और झूठे नबी दोनों ही डाले गए हैं। सदा सदा के लिए उन्हें रात दिन तड़पाया जाएगा। फिर मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन को और उसे जो उस पर विराजमान था देखा। उसके सामने से धरती और आकाश भाग खड़े हुए, उनका पता तक नहीं चल पाया। फिर मैंने छोटे और बड़े मृतकों को देखा। वे सिंहासन के आगे खड़े थे। कुछ पुस्तकें खोली गईं, फिर एक और पुस्तक खोली गई। यही जीवन की पुस्तक है। उन कर्मों के अनुसार जो पुस्तकों में लिखे गए थे, मृतकों का न्याय किया गया। जो मृतक सागर में थे उन्हें सागर ने दे दिया, तथा मृत्यु और पाताल ने भी अपने अपने मृतक सौंप दिए। प्रत्येक का न्याय उसके कर्मों के अनुसार किया गया। इसके बाद मृत्यु को और पाताल को आग की झील में झोंक दिया गया। यह आग की झील ही दूसरी मृत्यु है। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला तो उसे भी आग की झील में धकेल दिया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21। फिर मैंने एक नया स्वर्ग और नई धरती देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली धरती लुप्त हो चुके थे और वह सागर भी अब नहीं रहा था। मैंने यरूशलेम की वह पवित्र नगरी भी आकाश से बाहर निकलकर परमेश्वर की ओर से नीचे उतरते देखी। उस नगरी को ऐसे सजाया गया था जैसे मानो किसी दुल्हन को उसके पति के लिए सजाया गया हो। तभी मैंने आकाश में एक ऊंची ध्वनि सुनी। वह कह रही थी, देखो अब परमेश्वर का मंदिर मनुष्यों के बीच है और वह उन्हीं के बीच घर बनाकर रहा करेगा। वे उसकी प्रजा होंगे और स्वयं परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा। उनकी आंख से वह हर आंसू पोंछ डालेगा और वहां अब न कभी मृत्यु होगी, न शोक के कारण कोई रोना धोना और नहीं कोई पीड़ा, क्योंकि ये सब पुरानी बातें अब समाप्त हो चुकी हैं। इस पर जो सिंहासन पर बैठा था वह बोला, देखो मैं सब कुछ नया किए दे रहा हूँ। उसने फिर कहा, इसे लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास करने योग्य हैं और सत्य हैं। वह मुझसे फिर बोला, सब कुछ पूरा हो चुका है। मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। जो भी प्यासा है मैं उसे जीवन जल के स्रोत से सेत मेत में मुक्त भाव से जल पिलाऊंगा। जो विजयी होगा उस सब कुछ का मालिक बनेगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। किंतु कायरों, अविश्वासियों, दुर्बुद्धियों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादू टोना करने वालों, मूर्ति पूजकों और सभी झूठ बोलने वालों को भवकती गंधक की जलती झील में अपना हिस्सा बटाना होगा। यही दूसरी मृत्यु है। फिर उन सात दूतों में से जिनके पास सात अंतिम विनाशों से भरे कटोरे थे एक आगे आया और मुझसे बोला, यहाँ आ, मैं तुझे वह दुल्हन दिखा दूं जो मेमने की पत्नी है। अभी मैं आत्मा के आवेश में ही था कि वह मुझे एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया। फिर उसने मुझे यरूशलेम की पवित्र नगरी का दर्शन कराया। वह परमेश्वर की ओर से आकाश से नीचे उतर रही थी। वह परमेश्वर की महिमा से मंडित थी। वह सर्वथा निर्मल यशब नामक महामूल्यवान रत्न के समान चमक रही थी। नगरी के चारों ओर एक विशाल ऊंचा परकोटा था जिसमें 12 द्वार थे। उन 12 द्वारों पर 12 स्वर्गदूत थे तथा 12 द्वारों पर इसराइल के 12 कुलों के नाम अंकित थे। इनमें से 3 द्वार पूर्व की ओर थे, 3 द्वार उत्तर की ओर, 3 द्वार दक्षिण की ओर और 3 द्वार पश्चिम की ओर थे। नगर का परकोटा 12 नींवों पर बनाया गया था तथा उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। जो स्वर्गदूत मुझसे बात कर रहा था उसके पास सोने से बनी नापने की एक छड़ी थी जिससे वह उस नगर को, उसके द्वारों को और उसके परकोटे को नाप सकता था। नगर को वर्गाकार में बसाया गया था। यह जितना लंबा था उतना ही चौड़ा था। उस स्वर्गदूत ने उस छड़ी से उस नगरी को नापा। वह कोई 12,000 स्टोडिया पाई गई। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी थी।
स्वर्गदूत ने फिर उसके परकोटे को नापा। वह कोई 144 हाथ था। उसे मनुष्य के हाथों की लंबाई से नापा गया था, जो हाथ स्वर्गदूत का भी हाथ है। नगर का परकोटा यशव नामक रत्न का बना था तथा नगर को कांच के समान चमकते शुद्ध सोने से बनाया गया था। नगर के परकोटे की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से सजाई गई थी। नींव का पहला पत्थर यशव का बना था, दूसरी नीलम से, तीसरी स्फटिक से, चौथी पन्ने से, पांचवी गोमेद से, छठी मानक से, सातवीं पीत मणि से, आठवीं बेरोज से, नवीं पुखराज से, दसवीं लहसनिया से, ग्यारहवीं धूम्रकांत से और बारहवीं चंद्रकांत मणि से बनी थी। बारहों द्वार बारह मोतियों से बने थे। हर द्वार एक एक मोती से बना था। नगर की गलियां स्वच्छ कांच जैसे शुद्ध सोने की बनी थी। नगर में मुझे कोई मंदिर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही उसके मंदिर थे। उस नगर को किसी सूर्य या चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है कि वे उसे प्रकाश दें, क्योंकि वह तो परमेश्वर के तेज से आलोकित था और मेमना ही उस नगर का दीपक है। सभी जातियों के लोग इसी दीपक के प्रकाश के सहारे आगे बढ़ेंगे और इस धरती के राजा अपनी भव्यता को इस नगर में लाएंगे। दिन के समय इसके द्वार कभी बंद नहीं होंगे और वहां रात तो कभी होगी ही नहीं। जातियों के कोष और धन संपत्ति को उस नगर में लाया जाएगा। कोई अपवित्र वस्तु तो उसमें प्रवेश तक नहीं कर पाएगी और न ही लज्जापूर्ण कार्य करने वाले और झूठ बोलने वाले उसमें प्रवेश कर पाएंगे। उस नगरी में तो प्रवेश बस उन्हीं को मिलेगा जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22। इसके पश्चात उस स्वर्गदूत ने मुझे जीवन देने वाले जल की एक नदी दिखाई। वह नदी स्फटिक की तरह उज्जवल थी। वह परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती हुई नगर के गलियों के बीच से होती हुई बह रही थी। नदी के दोनों तटों पर जीवन वृक्ष उगे थे। उन पर हर साल 12 फसलें लगा करती थी। इसके प्रत्येक वृक्ष पर प्रतिमास एक फसल लगती थी तथा इन वृक्षों की पत्तियां अनेक जातियों को निरोग करने के लिए थीं। वहां किसी प्रकार का कोई अभिशाप नहीं होगा। परमेश्वर और मेमने का सिंहासन वहां बना रहेगा तथा उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे तथा उसका नाम उसके माथों पर अंकित रहेगा। वहां कभी रात नहीं होगी और न ही उन्हें सूर्य के अथवा दीपक के प्रकाश की कोई आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उन पर प्रभु परमेश्वर अपना प्रकाश डालेगा और वे सदा सदा शासन करेंगे। फिर उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये वचन विश्वास करने योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो नबियों की आत्माओं का परमेश्वर है अपने सेवकों को जो कुछ शीघ्र ही घटने वाला है उसे जताने के लिए अपना स्वर्गदूत भेजा है। सुनो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक में दिए गए उन वचनों का पालन करते हैं जो भविष्यवाणी हैं। मैं यूहन्ना हूँ। मैंने ये बातें सुनी और देखी हैं। जब मैंने ये बातें देखी सुनी तो उस स्वर्गदूत के चरणों में गिरकर मैंने उसकी उपासना की जो मुझे ये बातें दिखाया करता था। उसने मुझसे कहा, सावधान, तू ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तो तेरे बंधु नबियों का जो इस पुस्तक में लिखे वचनों का पालन करते हैं एक सह सेवक हूँ। बस परमेश्वर की ही उपासना कर। उसने मुझसे फिर कहा, इस पुस्तक में जो भविष्यवाणियां दी गई हैं उन्हें छुपा कर मत रख, क्योंकि इन बातों के घटित होने का समय निकट ही है। जो बुरा करते चले आ रहे हैं वे बुरा करते रहें, जो अपवित्र बने हुए हैं वे अपवित्र ही बने रहें, जो धर्मी हैं वे धर्मी ही बना रहे, जो पवित्र हैं वे पवित्र बना रहे। देखो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ और अपने साथ तुम्हारे लिए प्रतिफल ला रहा हूँ। जिसने जैसे कर्म किए हैं मैं उन्हें उसके अनुसार ही दूंगा। मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। मैं ही आदि
और मैं ही अंत हूँ। धन्य है वह जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, उन्हें जीवन वृक्ष के फल खाने का अधिकार होगा। वे द्वार से होकर नगर में प्रवेश करने के अधिकारी होंगे, किंतु कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और प्रत्येक वह जो झूठ पर चलता है और झूठे को प्रेम करता है बाहर ही पड़े रहेंगे। स्वयं मुझ यीशु ने तुम लोगों के लिए और कलिसियाओं के लिए इन बातों की साक्षी देने को अपना स्वर्गदूत भेजा है। मैं दाऊद के परिवार का वंशज हूँ, मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन कहती है आ, और जो इसे सुनता है वह भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह भी आए, और जो चाहे वह भी इस जीवनदायी जल के उपहार को मुक्त भाव से ग्रहण करे। मैं शपथ पूर्वक उन व्यक्तियों के लिए घोषणा कर रहा हूँ जो इस पुस्तक में लिखे भविष्यवाणी के वचनों को सुनते हैं, उनमें से यदि कोई भी उनमें कुछ भी और जोड़ेगा तो इस पुस्तक में लिखे विनाश परमेश्वर उस पर ढाएगा, और यदि नबियों की इस पुस्तक में लिखे वचनों में से कोई कुछ घटाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखे जीवन वृक्ष और पवित्र नगरी में से उसका भाग उससे छीन लेगा। यीशु जो इन बातों का साक्षी है वह कहता है हाँ मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ, प्रभु यीशु का अनुग्रह सबके साथ रहे। आमीन। Thank you.